हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म इज आर. वी हैव द रिएक्शन. वी हैव ऑप्शन ए, बी, सी, डी. सो द की कॉन्सेप्ट इज रिएक्शन ऑफ क्रिसोल विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम. ठीक है. सो देखो, हमारे पास क्या है, जब हम क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, विद ओएच नेगेटिव से, सो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं डाई क्लोरो कार्बीन इंटर मीडिएट. सो ये क्या होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है और साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. सो दैट इज वाई ये एक इलेक्ट्रो फाइल की तरह बिहेव करेगा. सो देखो, हमारे पास क्या है, क्रिस्टल प्लस ओ एच नेगेटिव, ठीक है. सो ये हमें क्या देगा, फिनोक्साइड आयन, ठीक है. सो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज. फाइन. तो ये बेसिकली कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक है. सो बेस के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाएगा और ये जो फिनोक्साइड आयन होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और इसके रिंग में ये इलेक्ट्रॉन के होंगे शिफ्ट होंगे एंड थो पैरा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड हमें मिलेगा यहाँ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है. नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ जाएगा एंड हेयर वी विल हैव CH3. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है. सो जो डाइक्लोरोबेंजीन है वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. CHCl2. अब देखो क्योंकि ये क्या है, बेसिक मीडियम में है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस होगा एंड हमें क्या मिलेगा, Cl की जगह दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे. एक OH यहां जाता है, एक OH यहां जाएगा. फाइन. और यहां से डिहाइड्रेशन होगा एंड हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा एंड वी विल गेट ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है. ये जो प्रोडक्ट होता है ये अच्छी क्वांटिटी में बनता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ का मेजर प्रोडक्ट हो जाता है इसका. फाइन. इतना क्लियर है. देखो अब क्या होता है, दूसरी चीज समझते हैं, इसके अलावा भी क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा. देखो जब रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा तो पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है. एंड
यहाँ पे क्या होगा, हाँ जो हमारा CCl2 है, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो पैरा पोजिशन पर भी होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी। सो सिंस यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज पोजिशन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, ठीक है, जाकर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, एंड वी विल गेट इस वजह से एक और कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ जाता है CH3 और यहाँ जाएगा हमारा CHCl2। बट ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये माइनर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सो हमारे यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, एक क्या बनना है माइनर, एक क्या बनना है मेजर। अपना ऑप्शन चेक करते हैं तो माइनर कौन सा है हमारा, माइनर आ रहा है क्यू, ठीक है, एंड मेजर आ रहा है हमारा कौन सा, मेजर आ रहा है हमारा एस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एस मेजर, बी क्यू माइनर। सो द करेक्ट ऑप्शन आर बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।